बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान की तेज़ी से बदलती हुई सूरत हाल और उस पर आलमी रद्द अमल आ रहा है, तो वो सारी तफसीलात आपके सामने रखूँगा। ख़ासतौर पर अमरीकी सदर जो बाइडन ने जो गुज़श्ता रात तकरीर की है उसके अहम नुकात क्या थे और उन्होंने इस जंग का मलबा किस पर डाला। इसमें कुछ उन्होंने अपने अगराज व मकासद भी बयान किए हैं कि हमारा मकसद क्या था ये जंग शुरू करने का, क्या हमने ये मकासद हासिल कर लिए हैं और आगे नेक्स्ट हमारा प्लान क्या है और क्यों ज़रूरी था कि हम अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें पुल आउट कर लें। तो ये सारी तफसीलात आपके सामने रखूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन की जो स्पीच जो गुज़श्ता रात तकरीबन पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक रात 1:30 बजे उन्होंने की, अपनी आवाम को एड्रेस किया उन्होंने और बताया कि क्यों ज़रूरी था अफ़गानिस्तान से अपनी फ़ौजें वापस बुलाना। सबसे पहले तो उन्होंने अपना मकसद बयान किया कि इस जंग के पीछे, अफ़गानिस्तान की जंग के पीछे जो कि अमेरिका की तवील तरीन जंग भी है, उनका बड़ा मकसद क्या था। तो उन्होंने अपनी कौम को बताया है कि हमारा सबसे बड़ा मकसद था कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन थी अलकायदा इसको लॉन्चिंग पैड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था और उसी के नतीजे में जो है वो 9/11 का अटैक भी हुआ था। तो फिर इसके बाद अमेरिका ने वहाँ पर अटैक करके अलकायदा का वहाँ से खात्मा करना था और उसामा बिन लादेन को गिरफ़्तार करना था या फिर उसको मारना था। इस पर जो बाइडन ने कहा है कि ये जो वाला मकसद था हमने इसको सक्सेसफुली अचीव किया, इसको हासिल किया, वहाँ से अलकायदा का जो है वो नामो निशान ख़त्म किया और अब अलकायदा इस पोजीशन में नहीं है कि वो अफ़गानिस्तान को बतौर लॉन्चिंग पैड इस्तेमाल कर सके और जो बड़ा टारगेट थे उसामा बिन लादेन उनको भी हलाक कर दिया गया। इसके बाद उन्होंने बताया कि इस मौका पर इन फौजों को जो है वो पुल आउट करना क्यों ज़रूरी था। बकौल जो बाइडन, जो रशिया है और चाइना है वो तो इस वो ये चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ पर स्टक हुआ रहे, फंसा रहे, उसकी सारी तवज्जा इस अफ़गान जंग पर मरकूज रहे, यहाँ पर वो इन्वेस्टमेंट भी करता रहे और दूसरी तरफ रशिया और चाइना जो है वो अपने दूसरे गोल्स जो हैं वो अचीव करते रहें। तो इसलिए जो बाइडन ने कहा कि बेहतर यही था कि हम अब यहाँ से अपनी फोर्सेस निकालें, क्योंकि अगर हम अगले 20 साल तक भी यहाँ पर अपनी फोर्सेस रखते तो भी हमें कोई जो है वो अचीवमेंट्स नहीं हो। बाइडन ने ये वाजे किया कि इस जंग का हमारा ये मकसद बिल्कुल नहीं था कि हमने वहाँ पर जाकर अफ़गानिस्तान की नेशन बिल्डिंग करनी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अफ़गानिस्तान में उनकी फ़ौज को तरबियत दी, वहाँ पर हमारी एनजीओस काम कर रही थी, उन्होंने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स मुकम्मल किए लड़कियों की तालीम के हवाले से और दीगर भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो वहाँ पर अफ़गानिस्तान में मुकम्मल किए गए हैं। और उन्होंने ये वाजे किया कि जो अफ़गानिस्तान की फ़ौज है वो तो कई ऐसे अमेरिका के अलाइज कंट्रीज़ हैं उनसे भी नंबर में ज़्यादा थी और उन फोर्सेस को वो तमाम सामान और वो असलहा और हथियार मुहैया किए गए जो कि अलाइज कंट्रीज़ के पास थी, यानी कि उनको एयरफोर्स दी गई, उनको ज़मीनी जंग लड़ने के लिए भी साजो सामान फराहम किया गया। इसके बावजूद भी 3 लाख अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है वो अफ़गान तालिबान के सामने कोलैप्स हो गई, वो बिल्कुल भी नहीं लड़े। तो इस पर जो है वो जो बाइडन का कहना था कि हमारे अमेरिकन एक ऐसी जंग क्यों लड़ें, वहाँ पर क्यों मरें जब खुद अफ़गानिस्तान के फ़ौजी जो हैं वो वहाँ पर लड़ना ही नहीं चाहते। तो इसलिए उन्होंने कहा कि इस एंडलेस वार का जो है वो कोई भी फ़ायदा नहीं था, अब ये अमेरिकन पर और अमेरिकन अवाम पर, अमेरिकन टैक्स पेयर पर जो है वो ये एक बोझ थी। इसलिए जो है उन्होंने अपने फ़ैसले का दिफा किया और उन्होंने कहा कि ये हमारा राइट टाइम पे राइट डिसीजन है कि हमने वहाँ से अपनी फोर्सेस को पुल आउट किया है। इसके बाद उन्होंने बताया कि अशरफ गनी और अब्दुल्ला से उनकी जून में मुलाकात हुई थी और उसके बाद जुलाई में भी अशरफ गनी ने जो है वो टेलीफोन पर उनसे बात की थी और उस वक्त तक अशरफ गनी ने जो बाइडन को यही बताया था कि अफ़गानिस्तान में इस तरह की कोई सूरत हाल क्रिएट नहीं हो कि तालिबान इस तरह से आकर अचानक काबुल पर ही जो है वो अपना कंट्रोल हासिल कर लेंगे, लेकिन अशरफ गनी के ये जो दावे थे या उनकी जो प्रेडिक्शन थी वो बिल्कुल ही गलत साबित हुई और हमने देखा कि किस तरह से काबुल को फतह किया गया, वहाँ पर कोई मज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा और आसानी से जो है वो प्रेसिडेंशियल महल पर जो है तालिबान ने अपना कंट्रोल हासिल कर लिया है। वैसे यहाँ पर मैं समझता हूँ कि तालिबान के ख़िलाफ़ ना लड़कर
जो अफगान फोर्सेस हैं या अफगानिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप है, उन्होंने एक बड़ा वाइज डिसीजन लिया है, क्योंकि पिछले 20 साल से अफगान फोर्सेस जो हैं, सॉरी अफगान अवाम जो हैं, वो जंग की चक्की में पिस रहे हैं। उनके कई अपने प्यारे जो है वो इस जंग में जान भाग हो चुके हैं, वो अपने प्यारों को खो चुके हैं, उनके घरों को नुकसान पहुंचा है, उनका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है, उनकी रिश्तेदारियां टूटी हैं, कोई किस मुल्क में महाजर बन के चला गया, कई किस मुल्क में महाजर बन के चला गया। तो इस वक्त अगर अफगान फोर्सेस के ना लड़ने के पीछे ये वजह कार फरमा थी कि वो अपनी अवाम को जो है वो जंग के अजाब में मज़ीद नहीं धकेलना चाहते, तो ये उनका एक राइट डिसीजन था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने अमेरिका की इस जंग को, जो कि शायद इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट के माइंड में कहीं पे ये बात हो कि ये जंग जो है आगे जाके सिविल वार की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगी, अफगान फोर्सेस और तालिबान आपस में लड़ते मरते रहेंगे और ये खित्ता जो है यूं ही डिस्टेबलाइज जो है वो रहेगा, लेकिन अफगान फोर्सेस और अफगानिस्तान की पॉलिटिकल लीडरशिप ने जो है वो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का ये ख्वाब जो है ये चिकना चूर कर दिया है। और अब तालिबान को उन्होंने जो है वो वॉकओवर दे दिया है कि आप इतने कैपेबल हैं तो आएँ और अफगान अवाम की खिदमत करें, लेकिन इस कौम को जो है वो मज़ीद जंग में ना धकेला जाए। मैं वापस आता हूँ बाइडन की तरफ। बाइडन की नेक्स्ट जो उनकी स्पीच का पॉइंट था, उन्होंने तालिबान को खबरदार किया है कि अगर जो हमारा एवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है वहाँ से, जो अमेरिकन हैं, उनके अलाइज हैं, या फिर वो लोग जो अफ़गानिस्तान में हैं, अफ़गानी हैं लेकिन उन्होंने अमेरिकन या उनके अलाइज के साथ काम किया था बतौर ट्रांसलेटर या फिर कुछ और वो काम करते रहे हैं, तो उन सब का एवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो अमेरिका इस वक्त जो है वो मरहले में है। अमेरिका की जानिब से उनको एवैक्यूएट किया जा रहा है वहाँ से, और अमेरिकन फोर्सेस ने जो है वो काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाला हुआ है। तो इन्होंने जो बाइडन हैं, उन्होंने वाज़े किया है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान की जानिब से अगर हमारी फोर्सेस पर और हमारे इन पर्सनल्स पर अगर कोई अटैक किया गया तो फिर हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे और हम जो है सबक सिखाना जो है वो जानते हैं। तो अब वहाँ पे वैसे प्रोसेस जारी है, गुज़श्ता रोज़ भी कई फ्लाइट्स वहाँ से जो है वो टेक ऑफ हुई हैं और अमेरिका जो है वो अपने इत्तेहादियों को वहाँ से निकाल रहा है। इसके बाद जो बाइडन ने कहा कि दुनिया भर में हमारे एंटी टेररिज्म जो ऑपरेशन हैं, काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन, वो जारी हैं, वो चाहे अफ्रीका हो, चाहे वो मिडल ईस्ट हो, या फिर अगर इन फ्यूचर उन्हें ज़रूरत महसूस होती है कि अफ़गानिस्तान में भी जो है वो उनको काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन करना पड़ता है तो वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो अमेरिकन्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अमेरिकन सॉइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं और वो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान की जो सरजमीन है ये अमेरिकन्स के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो। इसके बाद जो बड़ी पेशरफ्त गुज़श्ता रात सामने आई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यूएस एंथनी ब्लिंकन ने जो है वो शाह महमूद कुरैशी से राबता किया है और उनको अफ़गानिस्तान की सूरत हाल के मामले पर दोनों रहनुमाओं ने यह गुफ्तगू की थी और शाह महमूद कुरैशी ने उन्हें बताया है कि पाकिस्तान वहाँ से इनखला का जो ऑपरेशन है उसमें मदद कर रहा है, जो भी सफारती मिशंस या इंटरनेशनल मीडिया से एसोसिएट जो जर्नलिस्ट हैं वो अगर वहाँ से पाकिस्तान आना चाहते हैं तो पाकिस्तान उनकी मदद कर रहा है। और साथ ही साथ उन्होंने जो है वो पीसफुल ट्रांजिशन पर भी जोर दिया और कहा कि अफ़गानिस्तान में अब भी जो फ्री कैन हैं वो अगर खुद मिल बैठकर जो है वो पावर शेयरिंग के फार्मूले के तहत अफ़गानिस्तान को लेकर आगे चलते हैं तो ये अफ़गानिस्तान के अवाम के लिए और अफ़गानिस्तान के हमसायों के लिए एक बड़ा अच्छा फ़ैसला साबित होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो एक हामिद करज़ई, अब्दुल्ला अब्दुल्ला और गुलबदीन हिकमत यार के पर मुश्तमिल जो एक कोऑर्डिनेशन काउंसिल कायम हुई थी कि वो इस पोजीशन में है कि वो अब तालिबान से नेगोशिएट कर सके, क्योंकि तालिबान ने तो अब टेक ओवर कर लिया है, उनके पास पूरी पावर्स हैं, वो आपसे बैठ के अब आपको हिस्सा तो देंगे अगर जो वो चाहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आप उनके सामने कोई डिमांड नहीं कर सकते कि हमें इतना फार्मूला चाहिए। तो आप देखते हैं कि इन फ्यूचर इसमें क्या अपडेट्स आती हैं, वो आप तक शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।